हुकूमत की आवाम को बिजली के नए झटके देने की तैयारी। नेप्रा की बिजली 3.12 रुपए फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। कीमतों में इजाफा दिसंबर के महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में होगा। सार्फीन की जेबों से 30 अरब रुपए निकाले जाएंगे। महंगाई का सुनामी ठाठे मारने लगा। घी और खुर्दी तेल की कीमतों में फिर से इजाफा। एक हफ्ते के दौरान दर्जा अव्वल घी और तेल 30 रुपए महंगा हो गया। दर्जा अव्वल का घी 410 रुपए का हो गया। दर्जा दो घी भी गरीब की पहुंच से बाहर। कीमत 375 रुपए हो गई। आम खुर्दनी ऑयल 390 का लीटर मिलने लगा। कोरोना मुंह जोर हो गया। पांचवी लहर जोर पकड़ने लगी। आज भी 3 जाने गई। 1227 नए मरीज भी सामने आ गए। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 14.4% रिकॉर्ड। सरकारी अस्पतालों पर दोबारा से दबाव बढ़ने लगा। न्यू अस्पताल सर्विसेज गंगाराम जिना और जनरल अस्पताल में वार्ड भरने लगे। जिले इंतजामिया की कोरोना SOPs के खिलाफ कार्रवाइयां बराए नाम। DC की हिदायत पर अमल दरामद न होने के बराबर नजर आता है। शहरियों की जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहिरा। लाहौर में आइंदा हफ्ते बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। जबकि शहर में फिजाई आलूदगी कम ना हो सकी। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 314 रिकॉर्ड। कोट लखपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 451, डिफेंस में 435, मॉडल टाउन के एतराफ 417, टाउनशिप में 400, अनारकली में 341 रिकॉर्ड किया गया। महकमा सोशल वेलफेयर का गैर फ़ाल जाली NGO से मुतलिक बड़ा इकदाम। माल बनाने वाली 1519 जाली NGO की रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी। सोशल वेलफेयर ने 4619 NGO की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली। 3103 NGO की रजिस्ट्रेशन बरकरार। रजिस्टर्ड NGO का सालाना ऑडिट भी कराया जाएगा। वजीर आला के दफ्तर की तजीनो आरइश पर 4,91,00,000 रुपए खर्च करने का मामला। महकमा खजाना ने इजाफी अखराजात पर एतराजात लगा दिए। अखराजात का तखमीना कम करने की हिदायत। बागों के शहर के हुसन को 4 चांद लगाने का फैसला। ब्यूटिफिकेशन लाहौर मुहिम के लिए 45 करोड़ मंजूर। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की तजीनो आरइश की जाएगी। 1.5 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी। बल्दिया उज़्मा को 60 रोज में काम मुकम्मल करने का हदफ। तारीखी मॉल रोड की तजीनो आरइश के लिए 5 करोड़ जारी। मॉल रोड पर फैसल चौक से GPO चौक तक तारीखी इमारतों को असल हालत में बहाल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत सरकारी ठेकेदारों पर मेहरबान। वाजिबुल अदा रकम की अदायगी के लिए 3 अरब के फंड मंजूर। हुकूमती मंसूबे बरवक्त मुकम्मल करने के लिए वाजिबात अदायगी यकीनी बनाई जाएगी। तरक्याती कामों के लिए फंड की बौछार। तालीमी इदारे महरूम। पंजाब के 4% स्कूल खस्ता हाली का शिकार। लाहौर समेत पंजाब के 550 स्कूलों की इमारतों को खतरनाक करार दिया गया। खतरनाक इमारतों में लाहौर के 5 स्कूल भी शामिल। फंड की कमी की वजह से स्कूलों में तामीर मुरम्मत का मनसूबा इल्तवा का शिकार। सरकारी स्कूलों के लिए ठंडे पानी के कूलर्स की खरीदारी में बेजाबतगियां। 2000 स्कूलों के सरबराहान ने महंगे कूलर खरीद कर बिल ज्यादा कीमत जमा करा दिए। महकमा स्कूल एजुकेशन का नोटिस। तहकीकात का फैसला। मंसूबे के लिए रकम डेफिट की जानिब से फराहम की गई थी। कोरोना वबा में छुट्टियां और भारी फीसें नाकाबिले बर्दाश्त। प्राइवेट स्कूल वीरान होने लगे। 20% बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ गए। अखराजात पूरे ना होने पर 9% प्राइवेट स्कूल बंद। सरकारी स्कूल में 20 रुपए फीस होने पर बच्चों के दाखिलों में इजाफा। कोरोना के बायस रोजगार नहीं। हजारों रुपए फीसें कैसे अदा करें, वालिदैन परेशान। शहर में गैस का बहरान बरकरार। गुरु मांगर रोड पर शहरियों का गैस ऑफिस के सामने मुजाहरा। मरियम कॉलोनी, निषाद कॉलोनी, कचरा झेल रोड के मकीनों की नारेबाजी। उर्दू बाजार में भी शहरियों का गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। गोपाल नगर गुलबर्ग 3 के मकीनों की भी गैस के लिए दुहाई। चीनी के जखीरा अंदोजों के गैर शिकंजा सख्त। महकमा खुराक की सर्वे रिपोर्ट में 69 मुलजिमान की निशानदही। फहरिस्त जिले इंतजामिया को इरसाल। अर रहमान जनरल स्टोर पीको रोड, उमर बेकर्स भाटी गेट, रियाज जनरल स्टोर मुगलपुरा, जलील करियाना स्टोर हरबंसपुरा समेत बड़े नाम सामने आ गए।
साफ पानी रेफरेंस की समाप्त, लीगी रहनुमा राजा कमर इस्लाम और वसीम अजमल समेत 16 मुलजिमान की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर। एहतसाब अदालत के जज साजिद अली आवान ने फैसला सुनाया। इंसानी स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का केस, साबिक डीजी एफआईए बशीर मेमन अदालत पेश, हामिले तफ्तीश होने की हिदायत, अबूरी जमानत में 22 फरवरी तक तौसी। सीपीएनई की मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट चश्मकुशाई हकायक पर मबनी, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एक और फर्द जुर्म है। ऐसी रिपोर्ट्स आएंगी तो पाकिस्तान का जीएसटी प्लस स्टेटस बाकी रहेगा, ना ही गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ फिर हुकूमत पर चढ़ दौड़े। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से एजुकेशन काउंसिल के ओहदेदारान की मुलाकात, मियां इमरान मसूद, काशिर रशीद, जैनब कुरैशी, डॉक्टर फरजाना राय, मुमताज हुसैन बाबर शामिल। कोरोना वबा के दौरान प्राइवेट स्कूलों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वजीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देजी की ज़ेर सदारत इजलास, मोहसिन लगारी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब फैसल आसिफ, असदुररहमान गिलानी और सैफ अंजुम की शिरकत, ज़राअत और आबपाशी के जारी मंसूबों की रफ्तार और पेशरफ का जायजा। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ की ज़ेरे सदारत इजलास, फ्रॉड जालसाजी की रोकथाम पर तबादला ख्याल हुआ। 50 रुपए से कम की रसीदी टिकटों को खत्म करने, इलेक्ट्रॉनिक बार कोड और सिक्योरिटी फीचर्स पर मबनी वाइट पेपर मुतारिफ कराने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सैयद मुजफ्फर शाह मरहूम के घर आमद, साहबजादे सैयद अली रजा, सैयद मोहम्मद शाह से दुख और अफसोस का इजहार, एहसन शाह और हमाद रजा भी मौजूद थे। और PSL 7 का दूसरा मरहला, लाहौर मेजबानी के लिए तैयार, कजाफी स्टेडियम फिर से जगमगाएगा, होगी चौकों और छक्कों की बरसात। शायकीन क्रिकेट की बेताबी बढ़ने लगी, टीमों की आमद से कबल सिक्योरिटी के इंतजाम, मजीद CCTV कैमरे लगाए जाएंगे।